हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा एल्डोल कॉन्डेंसेशन या कीटोल कॉन्डेंसेशन। बेसिकली दोनों रिएक्शन सेम ही होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि भाई एल्डोल कॉन्डेंसेशन एल्डिहाइड्स देते हैं और कीटोल कॉन्डेंसेशन आपके कीटोन्स शो करते हैं। यूजुअली कलेक्टिवली इन दोनों रिएक्शन को हम एल्डोल कॉन्डेंसेशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सभी एक्सप्लेनेशन, सभी मैकेनिज्म। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बात करें इसके टाइप की, तो कॉन्डेंसेशन रिएक्शन बेटा तीन टाइप की होती हैं। सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन, यानी कि जब दो सिमिलर एल्डिहाइड और कीटोन्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट देते हैं तो उसको सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। जब दो डिससिमिलर एल्डिहाइड और कीटोन आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसको क्रॉस एल्डिहाइड एल्डोल कॉन्डेंसेशन कहते हैं। और जब एक ही एल्डिहाइड और कीटोन्स के बाई फंक्शनल कंपाउंड के अंदर ही अंदर रिएक्शन होती है इस तरह की, तो उसको हम इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जानेंगे तीनों चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं एल्डोल कॉन्डेंसेशन से। देखिए सबसे पहले मैं रिएक्शन बताने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन्स की एसिडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स अल्फा हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, यानी कि प्रोटोन को रिलीज करते हैं। और आपको पता है कि जो भी कंपाउंड प्रोटोन रिलीज करता है वो एसिडिक होता है। तो ये रिएक्शन बताती है कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन्स एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एल्डोल कॉन्डेंसेशन एल्डिहाइड्स का एग्जांपल लेकर। मैं यहां पर सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूं आपका CH3CHO, ये मॉलिक्यूल है आपका एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा, हम बात कर रहे हैं सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन की, तो दोनों एल्डिहाइड और कीटोन सेम होंगे, तो यहां पर मैं दूसरा एसीटैल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिख देता हूं। और मैंने यहां पर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया है ताकि आपको बात समझ में आ जाए, तो ठीक है। तो ये वाला एल्डिहाइड अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा जो अटैच हो जाएगा जाकर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, और कार्बन जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन से, और बेस की प्रेजेंट में ये रिएक्शन होती है बेटा, और यहाँ पर आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHOH CH2 and CHO। तो बेटा एल्डिहाइड के बने हुए इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एल्डोल, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी है, और ऑल मतलब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का, तो इसको एल्डोल कहते हैं, या इसको हम बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। IUPAC के अंदर भी इसका अकॉर्डिंग हम नाम लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा भाई 3-hydroxybutanol, ठीक है, ये इसका IUPAC के अंदर नाम होगा। तो बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल को ही हम कहते हैं। लेकिन बच्चों बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, जब ये रिएक्शन हम आगे फर्दर करते हैं यानी कि इसको गर्म करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सेट जेफ रूल, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेट जेफ रूल बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अब सेट जेफ रूल ये कहता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, और उससे जुड़े हुए दोनों कार्बन में से उस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और आपका फिर से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। बेटा इसका नाम हो जाएगा ब्यूटूनॉल। चलिए बात करते हैं कि सेकंड पार्ट की, कीटोल कॉन्डेंसेशन की। वैसे तो एल्डोल और कीटोल दोनों सेम होते हैं, लेकिन कीटोल आपके कीटोन्स देते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर होमोलोग लूँगा एसीटोन, ये मैंने एक मॉलिक्यूल बना दिया एसीटोन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी मैं यहाँ पर एसीटोन का ही लूँगा, और उसके अल्फा हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर इस तरीके से शो कर दूंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, एज यूजुअली कार्बन आएगा यहाँ पर, जिससे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर जुड़ जाएगा और बाकी का ये CH2CO CH3 जुड़ जाएगा। तो बेटा इसको हम कहते हैं कीटोल, ठीक है, कीटोन से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा कॉन्डेंसेशन का उसको कीटोल कहेंगे, या इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है।
इसको कीटोल हमने इसीलिए कहा कि उसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और ऑल का फंक्शनल ग्रुप भी है अल्कोहल का, तो कीटोल कहते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग भी इसका नाम हो जाएगा बेटा 4 मैथिल पेंट टू ओन, ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। हमेशा की तरह बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाएगी, सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से एलिमिनेट होगा वाटर का एक मॉलिक्यूल गर्म करने पर, और बिल्कुल उसी रूल के अकॉर्डिंग भाई यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा। अब इससे जुड़े हुए दो कार्बन एटम है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, लेकिन जिस कार्बन एटम के पास लेसर हाइड्रोजन होगी यानी कि ये वाला, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो डिहाइड्रेशन से यहाँ पर एल्किन बन जाएगी इस तरीके से CCH3 डबल बोंड CHCOCH3। अब इसका आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा भाई 4-methyl-pent-3-ene-2-ol। तो ये कीटोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन हो जाती है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर प्रोपेनल CH3CH2C OH। बेटा ये है आपका प्रोपेनल, प्रोपेनल का ही हम सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन देखेंगे। दूसरा मॉलिक्यूल भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ CH3CH CH3CHO। ये मैंने थोड़ा अलीब तरीके से लिखा है क्योंकि बेटा ये आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, इससे नेक्स्ट वाला ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा हाइड्रोजन ही तो जाता है, तो यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा ऐसे और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, जिससे बेस की प्रेजेंट में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CH OH CH CH3 और CHO। तो ये है आपका भी एल्डिहाइड लिया है हमने, तो ये भी आपका क्या बन गया, एल्डोल बन गया, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइडिक और ऑल जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है दोनों है, इसी को ही हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहेंगे। भाई आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर अलग हो जाएगा, लेकिन कॉमनली इस जो प्रोडक्ट आएगा आपका उसको हम एल्डोल को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। अब इसका हम नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा भाई आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग 3-hydroxy-2-methyl-pentanol। तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। अब आगे एज यूजुअली सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, गर्म करने पर इसके अंदर से H2O का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेट जेफ रूल। सेट जेफ रूल कहता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, जिससे आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन CH3CH2CH OH CH3CHO। ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन के फॉर्म में, इसका नाम हो जाएगा 2-methyl-pent-2-ene-ol। सो दिस इज द एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनल। दोस्तों तो आपने देखा एल्डोल कॉन्डेंसेशन, कीटोल कॉन्डेंसेशन कैसे होती हैं, तो अब उससे जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सबसे पहले बेटा मैंने आपको बात बताई थी कि एल्डिहाइड कीटोन्स एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, उनकी नेचर क्या होती है भाई, एसिडिक होती है, इसलिए वो एल्डोल और कीटोल कॉन्डेंसेशन शो करते हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन या प्रोटॉन वो रिलीज कर रहे हैं, दैट्स वाई ये रिएक्शन शो करेंगे वहाँ पर। और एक और चीज़, ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वही इस रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा कोई कीटोन तो नहीं है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, कीटोन तो सभी आपका कीटोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड्स ऐसे हैं, है ना, 3 एल्डिहाइड्स ऐसे हैं जो कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन नहीं देते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल सबसे पहला मैंने आपको बताया यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है, उससे आगे कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है जिससे अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पर आए। दूसरा आपका कंपाउंड हो जाएगा भाई बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ठीक है, इसके अंदर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो इसके अंदर है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो तीसरा हो जाएगा आपका टर्शियरी ब्यूटिल कार्बेल्डिहाइड। तो बच्चों याद रखिएगा ये 3 ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जो कि
एब्जेंस ऑफ दी अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन नहीं देते और बाकी सभी कीटोन्स कीटोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन देती है। तो याद रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट और एसिडिक नेचर वाला कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज इस वीडियो में एल्डोल कॉन्डेंसेशन या कीटोल कॉन्डेंसेशन सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजनेशन एसिडिक नेचर और प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी समझ गए होंगे कि आप बेटा कौन कौन से एल्डिहाइड एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन नहीं देते। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मतलब अच्छे से अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट भी कीजिएगा। जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल से ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। नाउ दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर श्रीराम टेकिंग साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड